आप सभी लोग शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 तो जरूर देख रहे होंगे एंड आई एम श्योर कि आप सभी के मन में कहीं ना कहीं जरूर आता होगा, काश मेरे पास भी कोई अपना बिजनेस होता या कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जिसको सेल करके मैं अपना बिजनेस कर पाता। सो आज यही सपना इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम आइडिएशन टू सेल्स। क्योंकि YouTube पे आपने इससे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं, आइडिएशन की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, बट कोई भी आपको ऐसा पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिलता है जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड प्रोसेस तक दिखाया जाए। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी अपना एक ऑनलाइन स्टोर चलाती हूं द क्रिएटर क्लोजेट के नाम से, thecreatorcloset.com, और आप इंस्टाग्राम पर जाकर मेरा स्टोर चेकआउट कर सकते हो या फिर मेरी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप मुझे 2-3 साल से फॉलो कर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा कि मैं बहुत सारे बिजनेसेस कर चुकी हूँ और अलग अलग इंडस्ट्रीज में मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज है जो मैं आप सबसे हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे स्टोर को ओपन हुए भी ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद का कैसे प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि शार्क टैंक इंडिया में आप सभी लोग देख रहे हो कि ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं। तो अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का, तो हम किस तरह से आइडिएशन कर सकते हैं, किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम सेल्स कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत ही डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं गाइस। सो विदाउट स्किप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने में। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है आइडिएशन का। आइडिएशन में गाइस बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किसकी डिमांड है मार्केट में। तो ये फाइंड आउट करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइस, जिसको आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो एंड आई कैन गारंटी कि आप विद इन 5 मिनट्स उसे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन में चले जाओ और किसी मार्केट प्लेस को ओपन कर लो, लाइक अमेजोन को ओपन कर लो या फिर फ्लिपकार्ट को या फिर किसी भी तरह के मार्केट प्लेस को। अब उसके कैटेगरी सेक्शन में चले जाओ गाइस, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे, लाइक होम डेकोर कैटेगरी मिलती है, पर्सनल केयर कैटेगरी मिलती है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आप उसमें से ना कोई भी एक प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं मान के चलती हूँ कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है प्लानर में, क्योंकि आजकल क्या है ना कि नया साल शुरू हो रहा है तो ज़्यादातर लोग प्लानर को खरीदते हैं, तो आपका इंटरेस्ट आ रहा है प्लानर में। तो अब आपका आइडिएशन प्रोसेस तो हो गया ख़त्म कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे प्लानर सेल करना है। तो अब बात करते हैं वेंडर सिलेक्शन की, कि वो प्रोडक्ट आप कहाँ से मंगवा सकते हो फॉर सेलिंग। तो उसके लिए भी ना आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे चले जाओ, लोकल वेंडर्स को सर्च कर लो, लोकल वेंडर्स कौन है ऐसे, या फिर आप अपने आसपास के एरिया में भी चेकआउट कर सकते हो। एक अगर मेरे केस की बात की जाए तो मैंने भी अपने लोकल आसपास सर्च किया था, तब मुझे एक लोकल वेंडर मिला था जो कि मुझे अफोर्डेबल प्राइस लगा और मुझे लगा कि हाँ मेरे घर के पास भी है तो मैं कभी भी इससे प्रोडक्ट मंगवा सकती हूँ। तो सेम चीज़ें आप भी कर सकते हो, बट इन केस अगर आपको वेंडर नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप इंडिया मार्ट पर या फिर जस्ट डायल पर जाकर ऐसे वेंडर्स वहाँ प्रोडक्ट डाल कर देख लो कि कौन कौन से ऐसे वेंडर्स आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब आपका आइडिएशन भी हो गया, आपका वेंडर सिलेक्शन हो गया, आपने प्रोडक्ट मंगवा लिए, कुछ प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो अब जब आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया तो अब बारी आती है कि आप इसे बेचोगे कैसे, लाइक आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर जाओगे। तो गाइस स्टार्टिंग में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मुझे लगता है ना कि मार्केट प्लेस पर जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कि GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और हमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं टू सेल ऑन मार्केट प्लेसेस। बट अगर आप खुद की वेबसाइट पर सेलिंग करना स्टार्ट करते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू करना स्टार्ट करते हो, इंस्टाग्राम पर एड रन करते हो, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट। बट अगर इनकेस अगर आपके पास पहले ही GST वगैरह है तो आप मार्केट प्लेस पर ऑब्वियसली सेल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद की वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं लाना होता है। तो दोनों के ही अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको खुद की वेबसाइट पर प्रोडक्ट को सेल करना है, तो अब बात आती है कि कौन से प्लेटफॉर्म को हम चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप शॉपिफाई यूज़ कर सकते हो। शॉपिफाई का स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो $29 होता है, बट आप शायद थोड़ा कम हो गया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा एक और वेबसाइट है WooCommerce, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। WooCommerce में क्या है कि आपको WordPress की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो अब आप किसी भी एक वेबसाइट को चूज़ कर लो, किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लो सेल करने के लिए। तो अब आपका डिसाइड हो गया कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर सेल करना है। अब बारी आती है मार्केटिंग की, कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें, किस तरह से लोगों को वहाँ तक लेकर आएँ।
तो स्टार्टिंग में गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि आप ना हर जगह हर सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लो। लाइक इंस्टाग्राम पर आपका पेज होना चाहिए, आप अपना फेसबुक पर पेज बना लो, लिंक्डइन पर हो सके तो बना लो, ट्विटर पर बना लो, जहाँ जहाँ हो सके आप बना लो उसे। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हो ना, तो आपके ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप मेरे ही इंस्टाग्राम पर चले जाओ द क्रिएटर क्लोजेट के नाम से, मैं वहाँ डेली रील्स डालती हूँ, डेली पोस्टिंग करती हूँ। तो ऐसा कोई शायद ही कोई दिन होता होगा कि मैं पोस्ट ना करूँ, मैं हर रोज़ कंसिस्टेंटली पोस्ट करती हूँ वहाँ पर। उसी तरह आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, कि अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग रखो। उसके अलावा एक और तरीका है कि आप ऐड रन करो फेसबुक पर। और एक और छोटी सी रिकमेंडेशन, छोटी सी बोनस टिप मैं कह सकती हूँ, मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जब भी कोई फेसबुक ऐड रन करते हो ना, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक मत लेके जाओ। हाँ, ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि मैंने जब भी फेसबुक ऐड रन किया है, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर गई हूँ डायरेक्ट, तो मेरी सेल्स नहीं होती थी, बिकॉज स्टार्टिंग में कोई ट्रस्ट नहीं करता है। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ना आपको क्या करना है कि आपको मैसेजिंग एड्स चलाने हैं ऑन फेसबुक स्टार्ट कर रहे हो तो। और जब भी कोई मैसेज करता है तो आपको अपने व्हाट्सअप पर वो मैसेज लेकर आना है, या फिर मैसेंजर पर, या फिर इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप मैसेज के थ्रू कस्टमर को अक्वायर कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको ये पता चलता है कि कौन लोग आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं, या फिर कौन लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आते हो ना, तो फिर लोग आकर चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। और अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करवाते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करवाते हो, तो आपको एक तरह की लीड्स मिल जाती हैं। फ्यूचर में कोई मार्केटिंग वगैरह करनी हो तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। मैसेजिंग ऐड का दूसरा बेनिफिट ये है कि लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प मिलती है। लाइक कोई भी प्रोडक्ट लोग तुरंत बाय नहीं करते, लोग पहले जानना चाहते हैं आपको कि आप कौन हो, तो आप मैसेजिंग के थ्रू उनके बात कर सकते हो और उनको समझा सकते हो। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग का। ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात की जाए तो मैंने बताया, जैसे कि ऑर्गेनिक पे आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करना है, स्टोरी पोस्ट करो, वीडियो पोस्ट करो, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो पोस्ट करो, क्योंकि रील्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो आप रील्स बनाकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। और अगर आपको उसके लिए भी आइडिया चाहिए कि आपको किस तरह के रील्स, किस तरह के वीडियो बनाने हैं, तो आप मेरे पेज को चेकआउट कर सकते हो कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो एग्जैक्टली। तो अब हो गई मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद आता है सेल्स। और सेल्स कैसे जनरेट करना है, मैंने आपको बता दिया कि जब आप इन सारे एड्स को रन करोगे, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कस्टमर ज़रूर आपके पास आएगा और वो प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदेगा। अब आपने सेल्स भी कर ली है, अब चलते हैं आपके प्रोडक्ट डिलीवरी की तरफ। एंड ये गाइस, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते होंगे रेगुलरली, लोग पूछते हैं कि आप कौन से शिपिंग यूज़ करते हो, आप किसके साथ कोलैबोरेट करते हो जिसके थ्रू आप डिलीवरी कराते हो प्रोडक्ट की। तो गाइस, बहुत सारे ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने चूज़ किया है डिलीवरी को, इसके अलावा शिप रॉकेट है, इसके अलावा एक्सप्रेस बीज है, और ई कार्ट है, ब्लू डार्ट है, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी करा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा डिलीवरी पार्टनर चूज़ कर लो, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मुझे लगता है कि सारे ही ठीक हैं, वैसे मैं डिलीवरी पर ज़्यादा रिलाई करती हूँ। तो कोई भी डिलीवरी पार्टनर आप चूज़ कर सकते हो। अब जब आपने डिलीवरी पार्टनर चूज़ कर लिया, तो अब बारी आती है किस तरह से हम पैकेजिंग करेंगे, किस तरह से हम प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। पैकेजिंग के लिए भी आप POD कुरियर बैग ले सकते हो, जो कि आपको कहीं से मिल जाएगा, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। मैं तो वैसे तो अमेज़ॉन से ही ज़्यादा मंगाती हूँ, तो अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हो और उस पर शिपिंग लेबल लगा सकते हो। प्रोडक्ट को पैकेजिंग अच्छे से कर आप उसे डिलीवर करा सकते हो। अब सारे स्टेप तो खत्म हो गए, बट एक छोटा सा बोनस स्टेप रह गया है जो मैं आपको देना चाहूँगी, कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट को पैकेजिंग कर रहे हो ना, तो उसके साथ अभी एक छोटा सा थैंक यू कार्ड ज़रूर देना। थैंक यू कार्ड में आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, लाइक लोगों को जो रिलेटेबल लगे, या फिर लोग थोड़ा एडमायर करें इस चीज़ को, कोई भी अच्छा कोट या कोई भी अच्छी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। आप चाहो तो कोई डिस्काउंट वगैरह भी दे सकते हो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर के लिए, या फिर कोई कूपन दे सकते हो कि आप नेक्स्ट टाइम परचेस करते हो तो आपको इतना % ऑफ मिलता है। ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो गाइस, ये थे हमारे सारे स्टेप्स कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को स्टार्ट करो, प्लस किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट को सेल करो। तो मैंने स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक बता दिया डिटेल में, और अब आपकी बारी है कि आप मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सबके साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या नहीं, या फिर फ्यूचर में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो। तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ मैं हर वीक आपके सबके सामने लाती हूँ। हर फ्राइडे 7 PM ऐसे आपको अमेजिंग वीडियोस हर वीक मिलेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।